बबीता एस अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट आस्था हेल्थ केयर दिल्ली। अपने व्यूवर्स के लिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। आज हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पहले इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं था। ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा पाया जाता था। हर फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। आज के टाइम में 1 in every 8 वुमेन हैज़ अ चांस ऑफ डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो दैट मीन्स कि विद टाइम इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। पहले ब्रेस्ट कैंसर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसमें ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब इवन रूरल एरियाज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर के बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल। हम सब आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ही हमारे यहाँ भी आजकल लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, स्मोकिंग, अल्कोहल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसे हम नहीं बदल सकते, जैसे कि हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स। लेकिन बहुत ही कम ब्रेस्ट कैंसर्स हेरिडिटरी लिंक्ड होते हैं, हार्डली 10-20%। 80% कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ सिंपल स्टेप से, जैसे कि अपने लाइफस्टाइल करेक्शन से। हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो जनरली फीमेल्स फॉलो नहीं करती हैं। हमें ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम इज़ आफ्टर द पीरियड्स। सो एवरी टाइम ऑन 5th or 7th day ऑफ योर पीरियड, दैट मीन्स जब आपके पीरियड्स का 5th या 7th day हो, आप खुद एक मिरर के सामने खड़े होके दोनों ब्रेस्ट को पेल्पेट कर सकती हैं। पेल्पेशन का तरीका क्या रहेगा? आपने फिंगर्स का ये वाला हिस्सा यूज़ करना है और आप इस तरीके से पूरे ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन करेंगी। आप इवन अपनी आर्मपिट को भी एग्जामिन करेंगी, और अगर आपको कोई भी लंप फील होता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट ज़रूर करेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंडियन फीमेल्स अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देती हैं, इसीलिए वो डॉक्टर के पास बहुत लेट विजिट करती हैं। इवन कभी कभी मैंने देखा है कि लंप डिटेक्शन के बाद भी फीमेल्स डर की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। हमें समझना है कि हर लंप ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ भी है, हम अर्ली स्टेजेस में बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट करके उसे क्योर कर सकते हैं। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में 90% सर्वाइवल रेट है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को हम कैसे पहचानेंगे? जनरली अर्ली स्टेज कैंसर्स हमें कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, पेन हमेशा एंड स्टेजेस कैंसर में देखा गया है। तो हमें ध्यान देना है, अगर हमें ब्रेस्ट में कोई भी लंप फील होता है या निप्पल के साइज़ में कुछ चेंज फील होता है, दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में कुछ मेजर चेंज नज़र आता है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज नज़र आता है, ब्रेस्ट की स्किन में कोई चेंजेस नज़र आते हैं, या इवन आपकी आर्मपिट में कोई आपको गांठ महसूस होती है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को हम टाइमली डिटेक्ट करेंगे तो ये क्योरेबल है। तो टाइमली डिटेक्शन के लिए हमें स्क्रीनिंग की मदद लेनी होगी। स्क्रीनिंग का मतलब है कभी कभी हम कैंसर होने से पहले भी उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो जनरली आफ्टर द एज ऑफ 40 हम मैमोग्राम यूज़ करते हैं। मैमोग्राम एक टाइप का एक्सरे है जिसमें हम कैल्सिफिकेशन नोट करते हैं। इसकी मदद से आपके डॉक्टर ये पता कर पाएंगे क्या आपको अर्ली स्टेज कैंसर है या आपको फ्यूचर में कैंसर होने का रिस्क तो नहीं है। मैमोग्राम्स हम आफ्टर द एज ऑफ 40 ही एडवाइस करते हैं, और उसके बाद ईयरली आपको मैमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स के लिए हम अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, और 20 की एज और लेस देन 20 ईयर्स पे हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को ही प्रेफर करेंगे। सो मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं और उसे टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने जाना कि इंडिया में अब सर्वाइकल कैंसर के बजाय ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर इजीली डिटेक्टेबल है, प्रिवेंटेबल है, प्रोवाइडेड हम टाइमली डॉक्टर के पास जाएं।
अगर कभी भी आपको कोई लंप फील होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द लंप्स बिनाइन ही होती है। अगर कैंसर डिटेक्ट भी हो, अपने डॉक्टर से अच्छे से सलाह करें और ट्रीटमेंट को फॉलो करें। इसके बाद भी अगर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें या नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।